याद करिए सोनिया मनमोहन सरकार जिसमें शरद पवार साहब भी थे, ये 10 साल सबसे भ्रष्ट सरकार चली। 12 लाख करोड़ के घपले घोटाले भ्रष्टाचार करने वाली सरकार यूपीए की सरकार थी। 9 साल में हमारे विरोधी भी हम पर भ्रष्टाचार का एक भी आरोप नहीं लगा सकते, हमने पारदर्शी सरकार देने का काम किया है। 9 साल के अंदर मोदी जी ने देश को सुरक्षित किया। अगर 4 पीढ़ी में आप शौचालय नहीं पहुंचा पाए, घर नहीं दे पाए, गैस नहीं दे पाए, मुफ्त अनाज नहीं दे पाए, तो आपने गरीबों के लिए क्या किया? मोदी जी को दुनिया में सम्मान मिल रहा है, और दूसरी ओर कांग्रेस के शाहजादे राहुल बाबा विदेश जाकर देश का अपमान करने का काम करते हैं। भारत माता की, क्यों भाई नांदेड़ वालों की आवाज को क्या हो गया है? देवेंद्र जी ने लक्ष्य रखा है 45 सीटों का, ऐसी आवाज से नहीं आती है भाई। मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए, उठाइए दोनों हाथ, 45 सीटों के विजय के संकल्प की मुट्ठी भींचिए और प्रचंड आवाज से बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। ये मीडिया वाले जरा सेट कर नीचे बैठ जाओ, बहुत टाइम के बाद मैं नांदेड़ आया हूं भाई, जरा सेट कर बैठ जाओ भैया प्लीज। अरे बैग भी जाओ यार, बैठ जाओ बैठ जाओ। मंच पर उपस्थित महाराष्ट्र के दिग्गज नेता जिन्होंने अपने मुख्यमंत्रीत्व के काल में महाराष्ट्र को देश में 1 नंबर पर लाने के लिए बहुत बड़ा प्रयास किया, ऐसे हमारे नेता श्री देवेंद्र फडणवीस जी, महाराष्ट्र भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष भाई चंद्रशेखर बावनकुळे जी, श्री भगवतराव कराड जी, आज जिनके निमंत्रण पर मैं आया हूं, ऐसे प्रतापराव पाटिल चिखलीकर जी, श्री सुधाकर राव श्रृंगारे जी, अतुल सावे जी, गिरीश महाजन जी, हमारे पूर्व मुख्यमंत्री उत्तराखंड तीरथ सिंह रावत जी, विधान परिषद के सदस्य प्रवीण देरेकर जी, उपस्थित सभी आमदार खासदार महोदय, और आज नांदेड़ की इस विशाल जनसभा में मोदी जी के समर्थन के लिए आए हुए प्यारे भाइयों बहनों माताओं और मेरे जिगर के टुकड़े जैसे युवा मित्रों, सबसे पहले मेरे साथ शिवाजी महाराज के नाम का जयकारा लगाएंगे, बोलिए मेरे साथ जय 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 भवानी, जय 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 शिवाजी। मित्रों आज जब मैं नांदेड़ की इस पवित्र भूमि पर आया हूं, महाराज छत्रपति महाराज शिव छत्रपति का राज्याभिषेक का 350वां वर्ष है, मैं शिव छत्रपति को मनपूर्वक प्रणाम कर मेरी बात की शुरुआत करना चाहता हूं। ये नांदेड़ की भूमि सचखंड साहेब हजूर साहब की भूमि है, ये भूमि को दशम पिता गुरु गोविंद सिंह जी ने मन खोलकर आशीर्वाद दिया है, और यही भूमि से परदेशी ताकतों के खिलाफ
अपने जीवन के अंतिम सांस तक लड़ाई न छोड़ने का संदेश गुरु गोविंद सिंह जी ने दिया है। मैं उनकी पुण्य स्मृति को प्रणाम करकर मेरी बात की शुरुआत करना चाहता हूं। मित्रों, आज जब मैं नांदेड़ में मराठावाड़ा में आया हूं, तब ये मराठावाड़ा का प्रांत हैदराबाद प्रांत का हिस्सा था। देश तो 15 अगस्त 1947 को आजाद हो गया, मगर नांदेड़ और पूरे मराठावाड़ में, बीदर में, हैदराबाद में देश को आजादी नहीं मिली। वहां के जुल्मी शासक ने ढेर सारे यातनाएं की। स्वामी रामानंद तीर्थ के नेतृत्व में इसके खिलाफ आंदोलन हुआ और भारत के लोह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल ने पुलिस एक्शन लेकर 17 सितंबर 48 को हमारे इस मराठावाड़ को आजाद करने का काम किया था। आज मैं सरदार पटेल जी को भी प्रणाम करकर मेरी बात की शुरुआत करना चाहता हूं। भैया, आप लोग प्लीज बैठ जाइए ना नीचे, मैं यहीं रहकर बोलने वाला हूं। प्लीज थोड़ा कम जगह हो तो भी बैठ जाइए। वो लाल शर्ट वाले भाई, जरा प्लीज बैठ जाइए। मित्रों, आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार, एनडीए की सरकार और मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार के 9 साल पूरे हुए हैं। मैं भारतीय जनता पार्टी की ओर से नांदेड़ और समग्र महाराष्ट्र की जनता का धन्यवाद करने आया हूं। बहुत बहुत धन्यवाद महाराष्ट्र की जनता ने, क्योंकि 14 और 19 दोनों चुनाव में महाराष्ट्र की जनता ने मन खोलकर मोदी जी को वोट देने का काम किया। मन खोलकर यहां से खासदार भेजे और इसी का परिणाम था कि मोदी जी 2/3 बहुमत के साथ, पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाए और 9 साल तक देश पर विकास क्या होता है इसका परिचय कराया। मोदी जी के ये नौ वर्ष भारत गौरव के 9 वर्ष, मोदी जी के 9 वर्ष भारत के विकास के, उत्कर्ष के 9 वर्ष, मोदी जी के 9 वर्ष गरीब कल्याण के 9 वर्ष, मोदी जी के 9 वर्ष भारत को सुरक्षित करने के वोट 9 वर्ष है। और मित्रों, 10 साल के सोनिया मनमोहन के शासन के बाद जब मोदी सरकार आई, तब सभी क्षेत्रों में आमूलचूल परिवर्तन किया। मैं आज महाराष्ट्र की जनता को याद कराने आया हूं। याद करिए सोनिया मनमोहन सरकार, जिसमें शरद पवार साहब भी थे, ये 10 साल सबसे भ्रष्ट सरकार चली। 12 लाख करोड़ के घपले, घोटाले, भ्रष्टाचार करने वाली सरकार यूपीए की सरकार थी। और 9 साल तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने, एनडीए की सरकार चली। 9 साल में हमारे विरोधी भी हम पर भ्रष्टाचार का एक भी आरोप नहीं लगा सकते। हमने पारदर्शी सरकार देने का काम किया है। 9 साल के अंदर मोदी जी ने देश को सुरक्षित किया। अगले 10 साल याद करिए, आए दिन पाकिस्तान से आलिया मालिया जमालिया घुस जाते थे, देश में बम धमाके करते थे, आतंकवादी घटनाएं करते थे और हमारे जवानों के सर काट कर ले जाते थे, मगर मनमोहन सिंह के मुंह से दिल्ली में ऊफ नहीं निकलता। मोदी जी आए, उरी और पुलवामा किया, 10 ही दिन में सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक कर पाकिस्तान के घर में घुसकर आतंकवादियों का सफाया करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। ये 10 साल जो थे भारत में गरीबी बढ़ाने वाले 10 साल रहे,
नरेंद्र मोदी जी के 9 साल के अंदर अभी अभी देवेंद्र जी ने बताया ढेर सारे गरीब कल्याण के काम, देश के 80 करोड़ गरीबों के लिए हर व्यक्ति को घर मिले, हर व्यक्ति को घर में शौचालय मिले, हर व्यक्ति को घर में बिजली मिले, हर व्यक्ति को घर में पीने का पानी मिले, हर गरीब को 5 लाख तक की सारी सुविधाएं फ्री ऑफ कॉस्ट मुफ्त में मिले, गरीबों को 5 किलो अनाज प्रति माह हर व्यक्ति मुफ्त मिले, और इसके साथ साथ गैस का सिलेंडर देने का काम भी मोदी जी ने किया। मैं पूछना चाहता हूं राहुल बाबा, आपने 4-4 पीढ़ी तक शासन किया, 4-4 पीढ़ी तक जवाहरलाल नेहरू जी, इंदिरा जी, राजीव गांधी और सोनिया मनमोहन की सरकार, अगर 4 पीढ़ी में आप शौचालय नहीं पहुंचा पाए, घर नहीं दे पाए, गैस नहीं दे पाए, मुफ्त अनाज नहीं दे पाए, तो आपने गरीबों के लिए क्या किया? साच अर्थ में आजादी के बाद गरीबों के कल्याण का काम केवल और केवल देश के नेता और हमारे प्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया, नरेंद्र मोदी जी ने किया। हर क्षेत्र के अंदर मोदी जी ने देश को आगे बढ़ाया है। देवेंद्र जी ने ढेर सारी बात करी है, मोदी जी ने 11 करोड़ किसानों को 6000 रुपया प्रति साल दिया, देवेंद्र जी ने और एकनाथ शिंदे ने उसमें 6000 रुपया और जोड़ा, और देवेंद्र जी ने यहां पर जलयुक्त सिवार योजना को भी चालू करने का काम किया। भाइयों बहनों, आज मैं आपको पूछने आया हूं, इतने सालों तक कांग्रेस की सरकार थी, हमारे संविधान निर्माताओं ने एक धारा 370 में एक प्रोविजन जोड़ा था कि यह टेम्पररी है, मगर इसको हटाने की किसी की हिम्मत नहीं थी। मुझे नांदेड़ वाले बताए, धारा 370 हटनी चाहिए या नहीं हटनी चाहिए? जोर से बोले, हटनी चाहिए या नहीं हटनी चाहिए? एक कांग्रेस, एनसीपी, सपा, बसपा, ममता, कोई हटाना नहीं चाहता था, वोट बैंक की लालच करते थे। नरेंद्र मोदी दूसरी बार प्रधानमंत्री बने, मोदी जी ने 5 अगस्त को कलम के एक झटके से धारा 370 को समाप्त करकर कश्मीर को हमें काश के लिए भारत का हिस्सा बना दिया। और ये राहुल बाबा, शरद पवार, सभी लोग विरोध कर रहे थे, कहते थे आसाम में, अरे कश्मीर में खून की नदियां बह जाएगी। राहुल बाबा, खून की नदी छोड़ो, किसी की कंकर चलाने की भी हिम्मत नहीं हुई है कंकर चलाने की। ये नरेंद्र मोदी सरकार है। माताओं, भाइयों, बहनों, मुझे बताओ, अयोध्या में प्रभु श्री राम का मंदिर बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए? अरे जोर से बोलो, बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए? काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए? सोमनाथ का मंदिर फिर से सोने का बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए? कांग्रेस के शासन में कुछ नहीं होता था। नरेंद्र मोदी जी ने बाबर ने तोड़ा हुआ वो राम मंदिर फिर से पुनः प्रस्तापित किया। ये राहुल बाबा, मैं भाजपा का अध्यक्ष था, मुझे ताने लगाते थे कि भाजपा वाले कहते हैं मंदिर बनाएंगे मगर तिथि नहीं बताते हैं। मैं आज नांदेड़ वालों को बताना चाहता हूं, नांदेड़ वालों, 2024 में वही अयोध्या की वही भूमि पर भव्य गगनचुंबी राम मंदिर बनकर तैयार होगा। नरेंद्र मोदी जी ने देश की संस्कृति और देश के इतिहास का सम्मान करने का काम किया है।
नरेंद्र मोदी जी ने दुनिया में देश को गौरव दिलाने का काम किया है। आज देश भर में मोदी जी जहां जाते हैं वहां मोदी 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 के नारे लगते हैं। और मित्रों, मैं आपको बताता हूं, ये मोदी मोदी के नारे युवाओं, नरेंद्र मोदी जी का सम्मान नहीं है। ये मोदी मोदी के नारे मेरी नांदेड़ और महाराष्ट्र की जनता का सम्मान है, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री। एक ओर मोदी जी को दुनिया में सम्मान मिल रहा है और दूसरी ओर कांग्रेस के शाहजादे राहुल बाबा विदेश जाकर देश का अपमान करने का काम करते हैं। अरे राहुल बाबा, विदेश में जाकर देश की राजनीति की बात, विरोध की बात नहीं करते, ये सालों से परिपाटी है। आपको मालूम न हो तो तनिक सीनियर कांग्रेसियों को पूछ लीजिए। और राहुल बाबा यहां नहीं बोलते, विदेश जाकर बोलते हैं, क्योंकि देश में उनको सुनने वाले बहुत कम बच गए हैं, इसलिए वो विदेश जाकर